आइए जान लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। ए रेशनल नंबर इरेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि हम बात कर लें, जैसे कि 5, 4 अपॉन 5, माइनस 1 अपॉन 2, और हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 5। इस तरीके से जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। अगर हिंदी में इसको समझना चाहें तो ऐसी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, और पी और क्यू एक पूर्णांक हो, पूर्णांक यानी इंटीजर हो, और दोनों में जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर होगा, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4/5 है, तो ये 5 ठीक है, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर यहाँ ही है 2, यहाँ 5, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसके 1 होता ही है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। आइए अब जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर इज ए नंबर, लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, एन इरेशनल कहा जा रहा है कि एन इरेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन नॉट एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन, जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं, जैसे रूट टू, जैसे अंडर रूट टू, ठीक है, और अंडर रूट फाइव ले लिया हमने, अंडर रूट थ्री ले लिया हमने, और क्या ले सकते हैं, अंडर रूट इलेवन है, और अंडर रूट ट्वेंटी वन है। इस तरीके के जो नंबर होते हैं इनको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें कि हम इन्हें पी बटे क्यू के रूप में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऐसे नंबर होते हैं जो नन रिपीटिंग है। मतलब अगर इनको हम देखें, जैसे रूट टू की वैल्यू क्या है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.414213 56, इस तरीके से करके वैल्यू आती है, ये देखिए। और रूट फाइव की अगर हम देखें, बात करें, अंडर रूट फाइव की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट फाइव की वैल्यू होती है 2.236067, इस तरीके करके, और इस तरीके के वैल्यूज़ आती हैं। ये अभी देखिए, एक और नंबर ले लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, अंडर रूट इलेवन को देख लेते हैं। अंडर रूट इलेवन की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट इलेवन की वैल्यू हो जाएगी 3.316624 79 करके, इसकी वैल्यूज आती हैं। तो ये ऐसी वैल्यू हैं जो क्या कहते हैं कि ना तो एक दोनों चीज़ें देखिए, नन रिपीटिंग होनी होगी, नन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट ना हो कहीं पे भी नंबर, है ना, और एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या होगी इसके अंदर कि नन टर्मिनेटिंग, यानी कि नन टर्मिनेटिंग मीन्स ना उसकी एंड ना हो कभी भी, ठीक है, नन टर्मिनेटिंग, नन टर्मिनेटिंग, जी टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट ना हो, यानी कि एक तो रिपीट नहीं होता, देखिए इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट जैसे हम क्या करते हैं, जैसे 1/3 होता है, तो 1/3 को जब हम करेंगे तो आता है क्या, 0.333, इस तरीके से करके नंबर आते हैं। तो ये 3 रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिपीटिंग हो रही, रिपीट हो रहा है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है। लेकिन हमारा जो इरेशनल नंबर होता है वो नन टर्मिनेटिंग होगा और नन रिपीटिंग भी होगा, नन टर्मिनेटिंग होगा और नन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा पूरा का पूरा और ना ही रिपीट होता है कोई नंबर। देखिए इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ना ही ये पूरी की पूरी टर्मिनेट हुआ है। तो इस तरीके से नंबर जो होते हैं उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। आइए अब जान लेते हैं कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, है ना, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, इसको लिख लेते हैं।
कैसे रियल नंबर। ठीक है, यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर कहलाती हैं। जितने भी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय और इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।